मैं मौजूद हूँ NRK इंडस्ट्रीज, और ये जगह है हमारे बगल में, देख लीजिए कि SSB कैंप है, टेलीफोन एक्सचेंज साहू चौक। साहू चौक पर अगर आप आएंगे और वहाँ से टेलीफोन एक्सचेंज से होते हुए SSB कैंप के पास आएंगे, तो बस SSB कैंप से 4 से 10 कदम के बीच की दूरी पर आपको ये इंडस्ट्री मिल जाएगा, NRK इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर झोला बनते हैं। चलकर अंदर देखते हैं कि झोला आखिर कैसा बनता है और किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि I am not plastic, यानी कि यहाँ प्लास्टिक के झोले नहीं बनते हैं। अब देखते हैं कि लोग झोला आखिर बनाते कैसे हैं, और मशीन भी है, आइए देखते हैं। मशीन बैठा हुआ है और यहाँ पर झोला कटता है, तो देखिए कि झोला बनने की तैयारियाँ चल रही है। अच्छा, झोला कैसे बनता है? ऑटोमेटिक सिला रहा है, इधर से चलाते हैं, तो यहाँ पर कितना झोला इधर से पास हो गया? एक बार में कम से कम 2 kg, मतलब 2 kg के हिसाब से। और ये कैसे इतना आता है? ये आपको वहाँ पे मटेरियल आता है, बाहर से हम लोग मंगवाते हैं, तो वहाँ से सेट होता है। उसके बाद पहले मशीन को सेट किया जाता है, वहाँ से रोल लगता है, यहाँ से। अच्छा, ए हो गया, रोल हो गया, ये रोल में से निकलता है ये रोल? हाँ, ये रोल एक रोल आता है, रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं। यहाँ सेट होता है, उसके बाद फिर यहाँ से सेट होने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से फिर। तो अभी वहाँ झोला कट रहा है, तो ये मशीन चालू नहीं है? नहीं, अभी चालू नहीं है, चालू होगा। दोनों मशीन अलग अलग है? जी, दोनों मशीन अलग। अंदर यहाँ से जो चालू होता है, मशीन है 3 पार्ट में, 3 पार्ट में है। इसे एक पार्ट आपका ये हो गया रोल का। अच्छा, दूसरा बात फोल्डिंग होता है, जैसे एक सिंगल गया यहाँ से, फिर यहाँ से आने के बाद फोल्डिंग होता है। देखिए अंदर की तरफ फोल्डिंग हो रहा है, यहाँ आने के बाद, यहाँ से जाने के बाद देखिए फोल्डिंग हो रहा है, वो ऑटोमेटिक फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग होता है ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद डबल होता है, डबल यहाँ से निकल रहा है, यहाँ खुद दे डबल भी खुद ही हो जाता जी, है जी, यहाँ फिर फोल्डिंग होने के बाद डबल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ आके ऐसे डबल होने के बाद सीधा सीधा आते हुए यहाँ पे एक डी पंच होता है, ये मतलब ये जो सील रहा है और ये पकड़ने वाला बन रहा है, वो यही पर होता है जी। उसके बाद फिर यहाँ ये सिलाई होता है, स्टिचिंग जिसे होता है, ये देखिए यहाँ से फोल्डिंग होता है, फोल्ड होने के बाद यहाँ पर जो पकड़ने वाला ए है, ए बनता है, टिकट पंच होता है। अच्छा, और यहाँ पर सिलाई होता है? यहाँ पे सिलाई होता है, उसके बाद रेडी मटेरियल फिर जो साइज का वहाँ से, और मेंस काम उसका होता है, वो मशीन का। यही मशीन है? यही मशीन है, यही से पूरा सेट होता है, कितना लेंथ का निकालना है। अच्छा, स्पीड कितना बढ़ाना है, कम करना है, वो है, कितना काउंट करता है वो बताता है। उसके बाद जैसे बहुत सारा झूला निकलता है, से ये हो गया, फिर हैंडल वाला सब यही से सेट। सिर्फ छोटा ही होता है कि बड़ा झूला? बड़ा झूला भी निकलता है, अभी मैं छोटा बना रहा था, बड़ा झूला हमारा। अच्छा, इसका आप ट्रेनिंग कहीं से लिए हैं या ऐसे ही? नहीं, ट्रेनिंग हम लिए हुए, पहले खोलने से पहले 3 से 4 महीने मैंने ट्रेनिंग लिया इसका, और उसका ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। ट्रेनिंग कितना का मशीन आता? मशीन आपको मैंने लिया था वही 25 लाख, और उसके बाद एक दूसरा मशीन है जो प्रिंटिंग आपको दिखाऊंगा आगे, वो भी मशीन अलग है, और बाकी सिलाई मशीन भी रखा हूँ मैं, लेबर लोग को बैठा के रोजगार भी देता हूँ, अभी दिखाऊंगा। तो क्या ये बड़ा साइज हो गया, ये मीडियम साइज, हर कपड़े के दुकान में जो मीडियम कपड़ा जो होता है ना, जैसे एक शर्ट रखना, पैंट रखना, उसके लिए होता है ये मीडियम झोला होता है, मीडियम साइज का जी, इसको डीकट बोलते हैं इसको। तो ये सिलाई वाला है, इस पर पहले प्रिंट होगा सर, इसको अभी प्रिंट नहीं हुआ? नहीं हुआ प्रिंट, अभी हमको दिखाऊंगा प्रिंट हो रहा है ये, उसके बाद ये। अच्छा, वो जो झोला बिना प्रिंट का जो काटे हैं, उसको कैसे फिर प्रिंट कीजिएगा? प्रिंट करेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको प्रिंट करके। ये बिना प्रिंट का, मतलब ये प्रिंट करके कटाता है? नहीं, बनता है, ये तो बन गया बिना प्रिंट का ही जी। और ये प्रिंट, ये भी विदाउट प्रिंट ही कटता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रिंट में ऐसे प्रिंट करके रोल टू रोल प्रिंट करवाना पड़ेगा मुझे, तो वो अभी मशीन उसका अलग मशीन। प्रिंट होने के बाद बनेगा? नहीं, ये प्रिंट होने के बाद झोला सिलाएगा। और ये प्रिंट होने से पहले झोला सिलाएगा? हाँ, ये हाँ, ये इसलिए कि इसमें कुछ नहीं है, जैसे हैंडल अगर कुछ भी रहता है ना, तो फिर मशीन में यहाँ पर प्रिंट होगा या नहीं? इस पे प्रिंट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा प्रिंट इसका। ये सिलाई होता है, यहाँ पे लड़का सिलता है, और वो अभी देखिए सिल के रखते हुआ जो मैंने आपको दिखाया था अभी व्हाइट वाला, वो इससे प्रिंटिंग हुआ उसका, दो बनता है इधर से भी प्रिंटिंग, और ये साइडिंग, ये साइड होता है, साइडर, ये दोनों लगता है। कपड़े की दुकान का है ये, कपड़े के लहंगा रखने के लिए
उसके लिए ये सबसे बड़ा साइज होता है। कैसे पीस भी बेचते हैं? ये पीस मैं अपने तरफ से 13 रुपये रखा हुआ हूँ, 13 रुपये पीस चलता है, हमारे फैक्ट्री रेट है, यहाँ से हम देते हैं फैक्ट्री रेट। तो ये सिर्फ कपड़ा के दुकानदार सब या मॉल वाले सब लेते हैं? हाँ, मॉल वाले, कपड़े के दुकान वाले और ये लोग लेते हैं। 13 रुपये पीस हो लेते हैं? जी, हम तो 13 रुपये पीस लेते हैं। एक बार में कितना का ऑर्डर आता होगा? एक बार में 5,000-6,000 पीस का आ जाता है ऑर्डर। लगभग शहर में आपका कितने दिन से चल रहा है? अभी तो मैंने 2 महीना ही स्टार्ट किया था। 2 महीना जी। और शहर से कितने जगह से कांटेक्ट आ गया, लगभग कितना दुकान या मॉल से आया? अभी गिन नहीं पा रहा हूँ, इतना परेशान हूँ कि समझ में नहीं आ रहा। ओपनिंग किया हूँ और अच्छा खासा आ रहा है कि कुछ अभी समझ में नहीं आ, गिन भी नहीं पाया कितना अभी तक हुआ है, ऑर्डर दे नहीं पा रहा, इतना ऑर्डर आ गया। लगभग कितना तैयार कर लेते हैं एक दिन? लगभग सिलाई का हमको एक दिन में एक लड़का 200-300 ऐसे सिल लेता है, और जैसे अब 3-4 बंदे बैठाए हुए हैं तो वो सब मिला के 500-600 पीस एक दिन में फैक्ट्री में निकाल देता है। जी, यहाँ झोला प्रिंट हो रहा है। चलिए आइए देखिए कि कैसे झोला प्रिंट किया जा रहा है, प्रिंट हो रहा है यहाँ। अर्चना साड़ी शोरूम का। अच्छा, अर्चना साड़ी शोरूम का प्रिंट हो रहा है। ये एक तरफ प्रिंट हो गया और अब इस तरफ में लगता है जो जैसे इधर बड़ा ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया, तो अभी सेट करेंगे उसके बाद फिर कंटिन्यू लिख लेंगे। तो वेस्ट होता है 2%। तो वेस्ट वो लेते हैं यार? वेस्ट भी जाता है, वो भी एक गाड़ी अगर बढ़ जाता है तो वेस्ट भी चला जाता है, वेस्ट भी बिक जाता है, यानी कम थोड़ा रेंज में। हाँ, कम रेंज में बिक जाता है वेस्ट। देखिए ये मशीन है, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है झोला, और झोले को प्रिंट करके 13-14 रुपये पर पीस बेचते हैं। हर कलर का है, जैसा जैसा प्रिंट करेंगे वैसा कलर, कलर का। अगर पार्टी देते हैं ना मुझे, वो कलर का मैं देता हूँ। मतलब इसी का ही लगा, अभी ऑरेंज चल रहा है तो मैं, पार्टी ने मुझे ऑरेंज कलर मांगा था तो मैं ऑरेंज कलर छाप के दे रहा हूँ। इसमें कलर डालना पड़ता है या ऐसे? किसका कलर आता है? कलर आता है, स्याही बोलते हैं हम लोग उसको। देखिए यहाँ यही कलर है, मतलब ये अलग कलर हो गया अभी, इसे हो रहा है। हाँ, ये कलर हुआ, जैसे ये ऑरेंज हो गया, ये मेजेंटा हो गया। हाँ? ये उसके बाद रेड, येलो, जो कलर जो मांगेगा ना झोला का उसमें मैं देता हूँ प्रिंट करके। आप ये मेजेंटा कलर? अच्छा, ये मेजेंटा कलर जी, संजीव स्वीट्स का, ये स्वीट्स की दुकान में चलता है। अच्छा, ये झोला कैसे पीस है? ये केजी पे चलता है। केजी पे चलता है? हमारे यहाँ 210 रुपये केजी चलता है, 220 रुपये केजी, जैसे साइज के हिसाब से है वो चलता है, फैक्ट्री रेट है हमारा। बाकी और उसके बाद डीकट जो आपको दिखाया था मैंने, वो 200 रुपये केजी प्रिंट करके। प्लेन झोला भी कोई लेता होगा या सिर्फ इतना बड़ा बड़ा यही लेता है? नहीं, प्लेन झोला भी लेते हैं आदमी, जो प्रिंट प्रेस वाले होते हैं ना। अच्छा, वो लोग लेते हैं परचेस करते हैं, परचेस करने के लिए। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर छोटा नहीं बड़ा बड़ा झोला भी बनता है। एक कमल ड्रेसेज का है, कमल ड्रेसेज का झोला है, ये अपने सीतामढ़ी का है। और बहुत सारे सीतामढ़ी का ऑर्डर है, जो अच्छे टॉप 10 में जो दुकान लोग आते हैं उसका भी ऑर्डर है हमारे पास। जैसे वाटिका हो गया। आप यहाँ के ऑनर है? जी हाँ, ऑनर हूँ। और आप सीतामढ़ी के रहने वाले हैं या बाहर से? नहीं, सीतामढ़ी के, यहीं के प्रॉपर सीतामढ़ी। चलिए, अब हमारे सीतामढ़ी शहर में ही एक झोला फैक्ट्री खुल गया है, मशीन लगा हुआ है, और यहाँ शहर के बीचों बीच एक जगह है जो आप देखते हैं SSB कैंप है। यहाँ पर बगल में आएंगे SSB कैंप के पास तो आपको ये फैक्ट्री मिलेगा, और यहाँ से आप कोई भी बिजनेस के लिए आराम से झोला खरीद सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी हो। देख सकते हैं ये बड़ा सा है, ये जैसे कि इसमें लहंगा और ब्लेजर वगैरह साड़ी रख सकते हैं। एक छोटा है मिठाई, यानी कि मिठाई की दुकान, यानी स्वीट्स के शॉप में आप रख सकते हैं इसको। तो कपड़े दुकानदार भी लेते होंगे छोटा छोटा कपड़ा के लिए? कपड़े दुकान के लिए। अच्छा, ये वाला जो हो गया कपड़े के दुकान के लिए। अच्छा, ये कपड़े की दुकान के लिए हो गया। बहुत से कपड़े के रेडीमेड दुकान में इतना छोटा सा झोला रहता है। हाँ, यहाँ छोटा हो गया, ये छोटा वाला। यही जो आप बना रहे हैं? जी जी जी, यही अभी बना रहा था मैं। और ये कृष्णा स्वीट्स है,
जो हमारे यहाँ सीतामढ़ी में, इनको भी मैं देता हूँ। कृष्णा स्वीट देखिए कि कृष्णा स्वीट का भी ऑर्डर आया है और कृष्णा स्वीट से भी, और यहाँ पर फेसबुक बार टेलीग्राम व्हाट्सअप हर चीज का जो संपर्क करे, जैसा डिजाइन देते हैं ना वैसा डिजाइन हम लोग देते हैं। ये कृष्णा स्वीट अभी स्पेशल हमारे लिए, वो बोले हमको एक अच्छा ऑर्डर दीजिए बना के सिला के, तो मैंने उनको दिया, उनको बहुत पसंद आया, वो बहुत अच्छा खुश हो गए देख के कि सीतामढ़ी पहली बार मुझे ऐसा मिला है। वो चाहते वाकई में बहुत अच्छा है, देख लीजिए वाकई में इतना बेस्ट है कि इसको इतना अच्छा से बनाया है, मोबाइल नंबर सारा चीज मतलब पूरा एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ जहाँ उनका ब्रांच है, कारगिल चौक, मिसौल चौक, लोहा पट्टी, शांति नगर टुकड़ा, यानी जहाँ जहाँ है वहाँ। और सबसे बड़ी बात ये वाटिका आप सब इसे मतलब परिचित है में कि कपड़े झोला का जो डिजाइन बनाते हैं देखने लायक झोला का डिजाइन होता है। कि मैं पहले बाहर से मंगाता था, अब ऐसा कभी नहीं हम देखे हैं जी, लेकिन वो बोले हैं, लेकिन वो बोले कि अंकल एक बार हमको देखिए देखे, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप सीतामढ़ी से और बाहर से क्या अंतर है। वो उनको दिए तो वो बहुत खुश हुए, बोले कि वाह बेटा बहुत अच्छा जैसा चाहते। सबसे बड़ी बात आपको ये बताते हैं कि कभी झोला छपवाने का आपका इच्छा हो तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ जब संपर्क करेंगे ना जी तो इनका झोले पे है कि आपको फेसबुक का भी देंगे, जो भी आप चाहे, आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, ये कुछ भी चलाते हैं, आपके झोले पर आराम से दिखा देता है कि उसके तहत कोई भी आदमी आपको डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है, इतना बिजोड़ है। आज देखिए सुरसंड का एक अमर मेगा मार्ट है, अमर मेगा मार्ट अभी वो नया ऑर्डर दिए हमें, तो उनको भी मैं देना चाहता हूँ। वो भी बहुत खुश है हमारे से कि बहुत अच्छा सीतामढ़ी में खुला है, अब हम लोग बाहर से मंगाते थे लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, बहुत अच्छे बहुत मतलब एक पीस आप बना के उनको पहले दिखाते हैं और पसंद आ गया तो फिर डिजाइन देता हूँ, डिजाइन बनवाते हैं, उसके बाद उनको पसंद आता है, उसके बाद में ही उसके बाद फिर वो ओके करते हैं, तब मैं उनको तब मैं निकलवाता हूँ। और ये एक पी एम सिटी मार्ट है हमारे बरगिनिया में जो बहुत फेमस है, उनका भी है ये, अच्छा ऑर्डर देते हैं वो मुझे, इनका अच्छा खासा ऑर्डर जाता भी हमारे यहाँ से, वो भी बहुत खुश है, नए नए थे हम भी गए उनसे मिले, परचेस किए, बहुत खुश है उनको ऑर्डर दे के। उनका लगभग 5 से 6 हज़ार पीस मैंने दे दिया अभी तक, ये सिलाई वाला, और बाकी दिकट वो सब मैंने और दे चुका हूँ। तो आपने देखा कि 25 लाख के लागत से मशीन बैठाए हैं, और ये प्रिंट का मशीन अलग है जो आप देख सकते हैं कि 30 से 40 लाख के लागत का बना। हाँ 30 से 40 लाख मशीनरी में गया। स्टाफ को कितना पे करते हैं? स्टाफ को अभी तो 10,000-12,000, जैसे ऑपरेटर हुए उनको 15,000। कितना स्टाफ रखते हैं? अभी तो मैं 5 से 6 स्टाफ रखा हूँ, और लेडीज लोग भी है, जो लेडीज लोग अब चली गई हैं उनका। लेडीज क्या काम करती है? लेडीज भी सिलाई करती है, पैकिंग करती है, और जैसे सिलाई का जो काम होता है वो इतना लोग घर भी ले। ऑफिस भी है आपका? जी हमारा ऑफिस है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा ऑफिस में भी काम चल रहा है? काम चल रहा है। अच्छा या नहीं, जितना आपके पास ऑर्डर आता है उसका एक पीस लेकर के आप इस तरह से लगा देते हैं? लगा देता हूं। जैसे वाटिका हो गया, बहन जी कलेक्शन, कुणाल, कृष्णा, पीएम सिटी, मतलब जितना भी आप देख रहे हैं वो सारे के सारे इनके पास ऑर्डर आए हैं, और ऑर्डर में से एक पीस लेकर के इसी तरह ये पूरा दीवार पे किस तरह से लगाए हुए हैं, कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है किसी को भी नहीं है। अगर यहाँ डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर कोई ज्यादा लेता है जी, तो अगर आपके थ्रू अगर आए तो ज्यादा डिस्काउंट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर आप आते हैं मेरे थ्रू, अगर कहेंगे कि हम इस चैनल पे देखे हैं तो उस थ्रू अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बाकी आपको कैसा लगा और आगे लेने की इच्छा हो तो संपर्क करें। एनआरके इंडस्ट्रीज फैक्ट्री का हमारे नाम हुआ एनआरके इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रियल एरिया साहू चौक से अंदर आता है उसमें है, और एसएसपी कैंप के ठीक बगल में है, और मेरा नंबर हो गया 7274922069, ये मेरा नंबर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो गया कैफी आजम। तो एक बार इनके यहाँ पहुँचे और देखे कि आखिर झोला कैसे बनाते हैं। बाहरी को तो हम लोग बहुत सारा पैसा दे चुके हैं, अब अपने शहर सीतामढ़ी में ही आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, और अगर आप हमारे चैनल के नाम कहते हैं, चैनल के नाम पर आते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है।